हेलो एवरीवन, आई एम जागृति सिंह। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकेंड, थ्री लिटिल पिग्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट थ्री लिटिल पिग्स। वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स। एक बार एक जगह पे थ्री लिटिल पिग्स रहते थे, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन हर हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो है वो स्ट्रॉ से बने हुए हाउस में रहता था। स्ट्रॉ मीन्स घास फूस से बने हुए हाउस में। फर्स्ट नंबर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं, घास फूस से बने हुए हाउस में रहता था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। मोनू जो है स्टिक्स से बने हुए हाउस में रहता था। स्टिक्स मीन्स लकड़ियों से बने हुए हाउस में रहता था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। गोनू जो है ब्रिक्स से बने हुए हाउस में रहता था। ब्रिक्स मीन्स ईंट सीमेंट से बने हुए हाउस में रहता था। आप देख सकते हो इस पिक्चर में ईंट से बने हुए हाउस में गोनू रहता था। एक दिन अ बिग बैड वोल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन एक बहुत बड़ा वोल्फ, वोल्फ मीन्स भेड़िया, केम टू सोनूज हाउस। सोनू के हाउस पे पास आता है। बैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। सैड वह बोलता है कि मैं तुम्हारे घर को हफ एंड पफ करके, मतलब फूंक मारकर, बहुत तेजी से फूंक मारकर और उड़ा दूंगा। हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। एंड उसने हफ्ड एंड पफ्ड करके सोनू के हाउस को नीचे गिरा दिया। सोनू रैन टू द मोनूज हाउस। सोनू दौड़ता हुआ मोनू के हाउस में चला गया। केम टू द मोनूज हाउस। वोल्फ जो है, भेड़िया जो है, वो मोनू के हाउस में भी आ जाता है। वह बोलता है कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं हफ एंड पफ करके, बहुत तेजी से फूंक मारकर तुम्हारे हाउस को गिरा दूंगा। वोल्फ मोनू के हाउस को भी गिरा देता है। सोनू एंड मोनू रैन टू द गोनूज हाउस। सोनू एंड मोनू दौड़ते हुए गोनू के हाउस पे चले गए, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सोनू और मोनू भागते हुए नजर आ रहे हैं। अगेन द वोल्फ केम टू द गोनूज हाउस। ही सैड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। उसने फिर से यही बोला कि मैं हफ एंड पफ करके तुम्हारे हाउस को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड पफ्ड, उसने हफ्ड एंड पफ्ड करके बहुत तेज से फूंक मार के गिराने की कोशिश की। He could not blow the bricks house down, but वह ईंट के हाउस को नीचे नहीं गिरा सका। Because it was very strong, क्योंकि वह बहुत ही strong हाउस था, क्योंकि वह bricks से बना हुआ था। फिर वह wolf वहाँ से चला जाता है। Went away means वहाँ से चला जाता है। And Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red bricks house. And Sonu, Monu, Gonu bricks के house में happily एक साथ रहने लगते हैं। Together means एक साथ रहना। Okay? Everyone, I hope आपको ये lesson समझ में आ गया होगा।